यू नो भाभी सही कह रही थी, तुझे सर्दी हो जाएगी और देख हो गया। पर भैया ने तो आइसक्रीम खाई नहीं थी। वो थोड़ी खाई थी, मतलब टेस्ट की थी। आई थिंक उसकी वजह से मुझे थोड़ी खांसी जुकाम हो सब। भैया दवाई ले लो। मेरी दवाई तो मेरे रूम में है। और तुम आ जाएगा नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। मुझे वहां जाके अपना मूड खराब नहीं करना, मैं कुछ और खा लूंगा। यहाँ कैसे? Obviously, my brothers. इतना क्यों स्माइल कर रहे हैं आप आज? मैं तो इसलिए स्माइल कर रहा हूँ क्योंकि तू मुझे देखे स्माइल कर रहा है। मैं भी इसलिए स्माइल कर रहा हूँ क्योंकि आप स्माइल कर रहे हो। मैं स्माइल कर रहा हूँ क्योंकि तुम स्माइल कर रहे हो। मैं तो इसलिए स्माइल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई स्माइल कर रहे हैं। लोगों को दारू चढ़ दिया, हमको पूल का पानी चढ़ गया। पूल की बात मत करना प्लीज। हाँ अच्छा नहीं किया उन्होंने, वो भी मेरे बर्थडे पे। You know guys, I can't believe गौरी ऐसा कर सकती है। I mean, गौरी तो देवी है। भैया इस वर्ड का इस्तेमाल इस घर में वर्जित है प्लीज। अरे हाँ वो तेरी वाली पुरानी वाली भी देवी थी। देवी नहीं डायन थी वो, डायन। हाँ नहीं हम गौरी की बात कर रहे थे। गौरी गौरी भाभी गौरी पता नहीं यार क्या हो गया उसे, पहले मुझ पे केक मारा फिर मुझे पूल में धक्का दे दिया। I mean, she's not like that. केक मारना उसे नहीं कहते हैं, केक भव्या ने मुझ पे मारा था, पूरा का पूरा हिल गया मैं। तू हिल नहीं गया, गिर गया। याद दिलाना जरूरी है। ऑफ कोर्स। एक तो जब से मुझे पता चला वो कॉप है, मैं सदमे के बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। कहाँ मैं सोच रहा था मैं बॉडी बना के उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, और कहाँ वो तुझे प्रोटेक्ट कर रही है। राइट राइट यार, आपको पता है वो रिवॉल्वर रानी है, तिलों के नीचे गन रख के सोती है। कौन करता है ऐसे, आप बताओ यार। भव्या वेरी स्मार्ट, यू आर स्मार्ट। एक मिनट, हम लोग उनके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? Let's talk about something else, yeah? ओमकारा जी तो बर्फ वाला पानी पिए बगैर सोते ही नहीं। रुद्र भी जब तक प्रोटीन बार नहीं खाते उन्हें नींद नहीं आती। अगर भौजाई ने मना नहीं किया होता ना तो हम खुद जाकर ओमकारा जी को पानी देकर आते। भाभी हम वहाँ जा नहीं सकते, पर हम किसी और को भेज तो सकते हैं ना। ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? भाभी एक काम करते हैं, तू बता दे जो भी। हाँ, है ठीक। हाँ, है।
आप सोई नहीं अभी तक दादी? जिन आंखों के सामने परिवार टूट रहा हो उन आंखों में नींद कैसे आएगी पुत्र? देखते ही देखते इस घर में इश्कबाजी कुश्ती में बदल गई। कुछ रिश्ते बनने से पहले ही टूट रहे हैं और कुछ बन के टूट रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ना बनों में हैं ना बिगड़ों में। मैंने इश्कबाजी की डोर तुम दोनों के हाथ में दी थी इस भरोसे के साथ कि तुम दोनों इसे टूटने नहीं दोगे। एक ही झटके में तुम दोनों का रिश्ता भी टूट गया और इश्कबाजी की डोर भी, और बजाय इस डोर को सुलझाने के तू नई डोर में उलझ रहा है। मैं हमेशा कहती थी इश्कबाजी टक्कर की होनी चाहिए, तुम दोनों का रिश्ता सच में टक्कर का है, फिर भी पता नहीं क्यों ये रिश्ता टूट गया। और तेरे भाई तेरे नक्शे कदम पे चल के बिल्कुल वही कर रहे हैं जो तू कर रहा है। अरे तू खुद नहीं संभलेगा तो उनको कैसे संभालेगा? दादी आप उम्रू की चिंता मत कीजिए, शिवाय सब संभाल लेंगे। काश तुमने कहा होता कि हम दोनों मिलके सब संभाल लेंगे। दादी सही कह रही है, हमारे झगड़े का असर उमरू की जिंदगी पे नहीं पड़ना चाहिए। गौरी और भव्या भी उनसे दूर रहकर बहुत दुखी है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन लोगों को मिला देना चाहिए। और अगर उसमें आपको मेरी जरूरत है, कोई हेल्प की जरूरत है, तो मैं तैयार हूँ। हाँ, और तुम्हें करनी भी चाहिए। गौरी और भव्या को तुमने ही भड़काया था ना? मतलब अभी आपको झगड़ा करना है? मुझे लगता है हमें सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है। वो मैंने सोच लिया, ओके? तुम सिर्फ मुझे फॉलो करना है, कोई स्टुपिडिटी नहीं, जस्ट फॉलो ऐसे। हद है, मतलब हेल्प भी चाहिए लेकिन मांगनी भी नहीं है। जैसे मेरी हेल्प लेकर मुझ पर एहसान कर। स्टोन सिंह ओब्रॉय, शिवाय फोन उठाओ। भैया इस वक्त मैं अकेला रहना चाहती हूँ, सो प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। रागनी, आई नो यू आर अपसेट, लेकिन ऐसे चीजें तोड़ना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। मैं इस वक्त ना लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ, तो भैया प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड लीव। भैया प्लीज, ओके फाइन, नो प्रीचिंग, जस्ट टेल मी योर प्रॉब्लम। शिवाय फोन नहीं उठा रहा। जाओ बता दो समरजीत मल्होत्रा को बोर्ड लगाने से जमीन उसकी नहीं हो जाती, जमीन चाहिए शिवाय सिंह ओबेरॉय का,
और वो हासिल करके रहेगा। शायद बिजी होगा। पता नहीं भैया, ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। सब सेट हो गया था, उसने अपने फैमिली के सामने अनाउंस तक कर दिया था दैट ही वांट्स टू मैरी मी, बट देन ही फ्लिप्ड, मना कर दिया उसने। ये उस लड़की की वजह से। कौन लड़की? उसकी एक्स वाइफ अनिका। अनिका? हाँ भैया, दैट सेम गर्ल जो आपके ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आई थी एंड मैंने कहा था कि हायर कर लो, दैट सेम गर्ल। मिस्टर मल्होत्रा, मेरी अपॉइंटमेंट है। आ? मैंने सोचा नहीं था कि हम दोबारा ऐसे मिलेंगे। दैट गर्ल, वो शिवाय सिंह ओब्रॉय की वाइफ है। एक्स वाइफ है भैया, और वो उसी के घर में रह रही है और शिवाय को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है, और शिवाय मुझ जैसी थिन सेक्सी गॉर्जियस लड़की को छोड़ के उस मोटी के पीछे पड़ा है। वो मोटी तो नहीं है। मुझ जैसी पतली भी नहीं है भैया। रागिनी, तुम सिर्फ जेलस हो रही हो। मैं हर उस लड़की से जेलस होंगी जो शिवाय के आसपास भी नजर आए। पर इस जेलसी में कोई गलत कदम मत उठा लेना। डोंट डू एनीथिंग क्रेजी। भैया मुझे हर हालत में शिवाय चाहिए, अच्छा बन के नहीं तो क्या हुआ, पागलपनी से। ऑलराइट, पर कोई भी ऐसा स्टूपिड डिसीजन लेने से पहले तुम आकर एक बार मुझसे बात जरूर करोगी। अगर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत होगी ना तो मैं आपके पास जरूर आऊंगी, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। सेट है? क्यों? आई फील चीटेड भैया। भव्या ने अपने मिशन के लिए मेरा यूज किया। मैं मानता हूं कि मैं गौरी के साथ बहुत रूठ था, और अब जब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है वो मौका ही नहीं दे रही। ट्राई तो करो। शिवाय बहुत ट्राई किया, उल्टा सुना दिया मुझे उसने। मैं कल ओम को देखा था क्या? हाँ, गौरी भाभी को काफी मिस कर रहे थे। सुनो, गौरी ने इस परिवार के लिए जो कुछ किया है वो तो हम सब जानते ही हैं। अब तो सही कह रहे हो। बेशक ओम इस शादी को मानता नहीं है, लेकिन ओम और गौरी एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि रुद्र की ईगो हर्ट हुई है, क्योंकि कोई लड़की रुद्र से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, इसलिए वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वो भव्या को मिस कर रहा है। अच्छा तू बता, इसमें भव्या की क्या गलती है? वो तो अंडरकवर कॉप है ना, और एक अंडरकवर कॉप अंडरकवर कॉप ही रहेगी। मुझे लग रहा है रुद्र इज ओवर रिएक्टिंग। आप सही कह रहे हो, वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है वो कुछ चुलबुल भाभी को एक फेयर चांस देना चाहिए। आई थिंक वी शुड पैच देम अप। यू आर राइट, रुद्र हमारा छोटा भाई है एंड आई थिंक वी शुड हेल्प। हम दोनों को मिलकर उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करनी चाहिए, लेकिन ये बात तेरे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। डोंट वरी, ये बात तेरे और मेरे बीच में ही रहेगी। अरे वाह, क्या धांसू आइडिया है, दोनों भाइयों को आपस में बिठा दो। वाह, वैसे दुनिया के सबसे बड़े चंटो माई है आप। What's your language? क्या लैंग्वेज? हाँ, कल कौन बोल रहा था, कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे? पप्पू। वो तो आदत है, बदलनी पड़ेगी। आदत ही क्यों, और भी बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। जैसे? रहन दीजिए, आपको ठेस पहुंचेगी। एक काम करते हैं, प्लान पे ध्यान देते हैं। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्लान बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। अरे मेरे पास एकदम खिड़की तोड़ प्लान है। पूछेंगे नहीं? पूछूंगा नहीं तो भी बता ही दोगे। पूछ लेंगे तो आपकी हाइट कम हो जाएगी क्या? हाइट के बारे में बात मत करना। तो नहीं जानना आपको, ठीक है मैं जा रही हूँ। सुनो यार, रुकी हो तो बोल दो, पहले पूछ लेते, तकलीफ थी? तुम्हें बताना है या मैं? अच्छा तो सुनिए, डिवोर्स्ड कपल, इट्स कॉम्प्लिकेटेड ब्रो। ये दोनों कॉम्प्लिकेटेड से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये समझ नहीं आता, साथ रहना था तो अलग ही क्यों है? एग्जैक्टली, और तूने नोटिस किया
ये दोनों किसी ना किसी बहाने से हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। क्यों? ताकि एक दूसरे से बात कर पाए। दादी सही कहती है, इनकी ईगो भी टक्कर की है। You know what? I think they need our help. हम इनका पैचअप करवा देना चाहिए। Fantastic plan. शिवाय, ऐसे क्यों रोती जा रही है? हाँ, क्या हालत कर ली अपनी? पता तो सही, तुझे हुआ क्या? What इसने happened, की रागिनी? शिवाय, वो आया था। कौन? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आया था। क्यों? उसने कहा कि तुम शिवाय के साथ शादी नहीं कर सकती। शिवाय वो पागल हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे ही उसे हमारी एंगेजमेंट के बारे में पता चला, उसे गुस्सा आया और उसने मेरा ये हाल कर दिया। I'm really scared. देखो ना, उसने कैसे कैसे मैसेजेस किए। स्ट्रीट एंड मैंने उसे सब कुछ सच बताया, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। तूने उस शिवाय से मंगनी की तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तुम झूठ बोल रही हो। आई नो तुम दोनों मंगनी करने वाले हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं तुम्हारा क्या हल करता हूं। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, सब कुछ सच बताया, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। शिवा, मैं क्या करूं? I'm really scared. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे मार देगा। वो मुझे हर जगह फॉलो करता है। मैंने कार पार्क की, कार से बाहर निकली और उसने मुझ पर अटैक कर दिया। I'm really scared. I don't know what to do. Please help me. एक सेकंड, एंगेजमेंट की बात घर पर हुई थी, सिद्धार्थ को कैसे पता चला? I don't know. पता नहीं सिद्धार्थ को कैसे पता चला, लेकिन I'm really scared. Please help me. वो मुझे मार देगा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज। तुम कुछ नहीं कर सकते शिवाय, करूंगी तो मैं। अनिका को इस घर से गेट आउट करा के रागिनी को फॉरएवर्स के लिए इन करूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।